टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आखिर मुंब्रा शहर के सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो कब भरा जाएगा, कब मुंब्रा शहर गड्ढा मुक्त होगा? अब तक गड्ढों को लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद मुंब्रा शहर के गड्ढे भरे नहीं जा रहे हैं। मुंब्रा शहर के रेती बंदर इलाके से लेकर और वाई जंक्शन तक आपको सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। खास तौर पर रेती बंदर परिसर का जो इलाका है वहाँ की रोड तो इतनी खराब हो गई है कि वहाँ गाड़ी से तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है कि जिस तरह से उस रोड की हालात होते जा रही है। इसी तरह से मुंब्रा पुलिस स्टेशन, मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास भी सड़कों पर आपको गड्ढे नजर आ जाएंगे। अक्सर बारिश के महीने में अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर कहते नजर आते हैं कि बारिश हो रही है, ये गड्ढे भर नहीं सकते क्योंकि माल मटेरियल बह जाएगा। लेकिन अब कौन सा बारिश हो रहा है, आखिर ये गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? इन गड्ढों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं इन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। आपको बता दें कि आज गड्ढों की न्यूज़ कवर करने के दौरान हमने कई ऑटो रिक्शा चालक, कई बाइक सवार और कई अन्य वाहन चालकों से बात करना चाहा, मगर साफ उन लोगों ने बोलने से कैमरे पे मना कर दिया। आखिर क्यों मना कर देते हैं ये लोग? ये लोग उसी गड्ढे से होकर जाते हैं लेकिन कैमरे पर बोलने को राजी नहीं होते। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है ऐसी चीज़ों पर आवाज़ उठाने के लिए? सिर्फ पत्रकारों को ही बोला जाता है कि आप लोग गड्ढों की न्यूज़ क्यों नहीं चलाते, आप लोग गड्ढे को क्यों नहीं दिखाते? क्या ये एक आम शहरी की जिम्मेदारी नहीं है? इसी तरह से आज जब हम ये न्यूज़ कवर कर रहे थे उसी दौरान कुछ ऑटो रिक्शा चालक और कुछ और लोगों से बातचीत की है, उन लोगों ने शहर में गड्ढे होने की वजह से क्या नाराजगी जाहिर की है। दिन भर यहाँ से दिन भर गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पे इतने बड़े गड्ढे से, आपको नहीं लगता कोई दुर्घटना हो सकती है? अरे हो गए, हो सकती नहीं, हो गए, परसों बाइक वाला दो गिर गए मैं अभी भी। लेकिन जो यहाँ की प्रशासन है वो शासन उस पर कोई असर नहीं है? नहीं देख रहा है, बिल्कुल देखना चाहिए, संबंधित नगर से देखना चाहिए, संबंधित अधिकारी देखना चाहिए, कोई देखता नहीं, गड्ढे भरते नहीं कुछ नहीं। मेरे सामने उस दिन गिरा होते और दोनों मैं अभी गिर गए यहाँ पे एक्टिवा पे, ऐसे कृपया करके जल्दी भरिए। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ प्रशासन को, कृपया करके जल्दी जल्दी रास्ता खड़ा भरिए, ये विनती करता हूँ मैं आपको। धन्यवाद भाई। आप अभी रिक्शा चला के आए वहाँ से, कितनी तकलीफ हुई आपको ये रोड पे जो खड्डे? बहुत तकलीफ हो रही है सर, इससे हमारी गाड़ी भी खराब हो रही है और हमारी हड्डियों में भी दर्द आ गया है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि रोड जल्द से जल्द बना दीजिए। कितना साल हो गया रहेगा फिर भी रोड को जो काम नहीं हुआ थी? सर मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, मैं मुंब्रा स्टेशन पे ही रहता हूँ, बचपन से यही हालत है। इसी रोड पर आप चलते हैं? हाँ इसी रोड पे चलता हूँ, बहुत हालत बुरी है। बारिश के वक्त में अक्सर देखा जाता था गड्ढों की शिकायत करने पर कि बारिश में कैसे गड्ढे भरेंगे, लेकिन अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, फिर क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या कहेंगे इस पे आप? क्या बोल सकते हैं, ये राजनीतिक पार्टी है, वो अपना सलूशन खुद ही बता सकती है, मैं क्या बोलूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरी गाड़ी खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसके लिए सरकार कहाँ रहते? मुंब्रा में रहते, मुंब्रा स्टेशन के पास। मुंब्रा स्टेशन के पास उन लोगों को क्या बोलोगे जो आपके दरवाजे पर वोट लेने के लिए आएंगे? क्या बोलोगे? मैं तो आज जोड़ से बेनती करूंगा कि जल्द से जल्द बना दीजिए, कि हमको भी तकलीफ हो रही है और बाहर से जो लोग आते हैं वो देख के भी शर्मा जाते कि ये कैसा मुंब्रा है। मुंब्रा का इतना बड़ा बड़ा दावा किया जाता है पर मुंब्रा का स्टार्टिंग पॉइंट ही ऐसा खराब है तो लोग क्या सोचेंगे? इतने बेकार रास्ते भाई, गाड़ी की थोड़ी वाट लग जाती है, इतने बड़े बड़े खड्डे, कितने टाइम से इतने बेकार रास्ते, थोड़ी मिट्टी डालते बाद में वापस वो खड्डे पड़ जाते, उसको टायर की वाट लग जाती है। क्या नुकसान क्या होता है आप लोगों का खड्डे में चलने की वजह से? एसी वगैरह इस पे सब दबाव, गाड़ियों का भी काम, हमारी कमर की भी तकलीफ होती है भाई, गाड़ियों में भी काम निकलता है, गाड़ियों में काम निकलता है, इंसान में कमर में तकलीफ होती है ज्यादा गाड़ी खड्डे में जाने से।